नमस्ते दोस्तों, आप सभी को जय श्री महाकाल। तो हम एक नई रेसिपी बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने धनिया, मिर्ची, हल्दी इन सभी को मिक्स करके उसका पेस्ट बनाएंगे। फिर हम थोड़ा पतला बनाएंगे ताकि वो बैंगन पे अच्छे से चिपक जाए। बैंगन लिया हमने एक और उसको राउंड शेप में काट लिया, और ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला काटना है। फिर हमने क्या किया, पैन फ्राई रखा, उसमें ऑयल डाला, और हम क्या करेंगे उसमें तेल गरम होने देंगे। तब तक हम मसाला रेप करेंगे बैगन पे ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। हम बैगन को रख देंगे मसाला सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए। फिर सारे बैगन पे लगा दिया है हमने, फिर उसको रखेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए और ये कितना अच्छा दिख रहा है। फिर हम उसको बेसन में डीप करेंगे। डीप करने के बाद हमारा तेल गरम हो चुका है तो तेल में हम डाल देंगे, और ये जब तक फ्राई करेंगे जब तक अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी ना हो जाए। ऐसे ही हम सारे बैगन को डाल देंगे। हमने सारे बैगन डाल दिए हैं और हम अच्छे से फ्राई होने तक का वेट करेंगे। और एक तरफ से हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है तो हम एक एक करके सारे बैगन को पलटा लेंगे। पलटाने के बाद इसका कलर बहुत अच्छा आया है, और ये मतलब दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जब उनको टेस्ट मैंने पहली बार टेस्ट किया था बहुत टेस्टी लगे थे। हमने पलटा लिए हैं, और पलटाने के बाद देखो कितने क्रिस्पी हो गए हैं। और हम एक एक करते बैगन को निकाल लेंगे, निकाल के हम प्लेट में सर्व करेंगे। हमने सर्व कर लिए हैं, और हमने थोड़े से चिप्स भी फ्राई कर लिए थे जो दिखने में